Muhtarmaz Haydar. Hazir Janab. Hani Amir. Present. And you're watching us on Drama Central. Shabash. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुम बताओ क्या खैरियत है, कैसे आना हुआ? चाचा, खाला को बेगम साहिबा ने घर बुलाया है, इन्हें लेने आया। खैरियत तो है बेटा। खाला, चंदा ने बेगम साहिबा के जेवर चोरी किए। क्या कह रहे हो? मैं इसीलिए तो आपको लेने आया हूँ। नहीं, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। आंसू, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। अम्मी, आपने बेगम साहिबा को कहा नहीं कि बच्चों चोरी नहीं कर सकती? कहा था, मगर बेगम साहिबा कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उल्टा वो हमसे कह रही हैं कि हमने उनको, हमने अपनी बेटी को खुद इस चोरी के लिए कहा है, इसलिए कि तुम्हारे अब्बू का इलाज कराना था। जाए इसके कि वो हमारे किसी काम आती, उल्टा हमारे दुख को उन्होंने गलत तरीके से ले लिया। वो आपके साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने इतना अरसा उनके पास काम किया। अम्मी, कोई कुछ नहीं करता बेटा, सब हमारी किस्मत करती है। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन अब क्या होगा अम्मी? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें, कहां जाएं, किससे मदद मांगे? हमें तो चिंता की और तुम्हारे अब्बू की फिक्र खाए जा रही है। हाला, हमारा हमारा दिल बैठा जा रहा है। कल सुबह हमारी चंदा के साथ मिली, बस इतनी सी है अर्जी। कितना इंतजार किया होगा उस मासूम ने, कितना रोई होगी वो मेरे लिए। ऐ मेरे मालिक, तू तो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, फिर क्यों एक ममता को यहाँ तड़पने को छोड़ दिया? बड़े ठीक कहते हैं, शौहर के घर से बड़ा साहिबान कहीं नहीं होता। मैं नादिर के साथ ही ठीक थी, कम अज कम वहां मेरी बेटी मुझसे दूर तो नहीं थी। जो भी जिल्लत मिलती थी चार दीवारी के अंदर तो मिलती थी। इस जमाने के आगे मुझे तमाशा नहीं बनना पड़ता था। है मेरे मालिक, मुझे अपने प्यारों का वास्ता, मुझे मेरे प्यारों के पास वापस भेज दे, रिहाई दे दे मुझे यहाँ से। या अल्लाह, तुझे अपने प्यारों का वास्ता, तुझे अपने प्यारों का वास्ता। बदले जो मौसम मौला, ऐसा की जो अब के मोरे नैना को सावन ना दीजो। बदले जो मौसम मौला, ऐसा की जो
तो फिर क्या सोचा है तुमने? बेगम साहबा मेरी बात का यकीन करें, मैंने आपका जेवर नहीं देखा। अगर तुमने मेरा जेवर नहीं लिया है तो जिसको दिया है ना उससे जाके लेके आओ। मैंने आपका जेवर नहीं चुराया और ना मैंने किसी को दिया है। तुम बहुत जिद्दी हो, ऐसे नहीं मानोगी। ठीक है, इंतजार करो, अभी पुलिस आने वाली है, वो तुमसे खुद ही सब कुछ उगलवा लेगी। ना कोई हमदम साथी टूटा यहाँ सपना, कैसा इम्तिहान है। मैंने तो कोई ऐसी गलती भी नहीं की जिसकी सजा मिल रही है। कौन मेरा अपना? क्या जाने तेरी मर्जी, किस मुसीबत में फंस गए हम। अब हम क्या करेंगे? हमारी तो अपनी सोचने समझने की सलाहियत सारी खत्म हो गई है, कुछ सोचता ही नहीं कि क्या करें। एक तरफ तुम्हारे अब्बा हैं, दूसरी तरफ चंदा, हम इन दोनों के बीच में परेशान हो गए। हम अस्पताल जाएंगे तो तुम्हारे अब्बा सबसे पहले हमसे ये सवाल करेंगे कि चंदा कहाँ है, क्या जवाब देंगे उनको। अम्मी आप एक दफा दोबारा बेगम साहबा के पास जाए, उन्हें यकीन दिलाए कि बच्चा बेकसूर है। सही कह रही हैं आप, हम बेगम साहबा के पास जाते हैं। चिड़िया कहाँ है? अंदर सो रही है। तुम जाओ उसे जगाओ, रात भर बच्ची सोई नहीं है, बड़ी मुश्किलों से हमने उससे सुलाया है, माँ का पूछती रही है। तुम उसे जगाओ, हम बेगम साहिबा के पास उसे साथ लेके जाएंगे। हो सकता है कि बेगम साहिबा का दिल थोड़ा सा उसे देख के नरम हो जाए। तुम जाओ, जगाओ उसे। मैं जाती हूँ। चिड़िया चिड़िया बेटा आंखें खोलो, खोलो बेटा आंखें खोलो। चिड़िया अम्मी हमें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए, इसको अस्पताल लेके जाना चाहिए। बेटा ये मुझे समझ नहीं आ रही। अम्मी इसकी हालत सही नहीं है, इसे बहुत तेज बुखार है। चलिए चलिए। अच्छा उठाओ उठाओ। चिड़िया चिड़िया बेटा जवेरिया, क्या सोच रही हो? अपने बेटे के अलावा और क्या सोचोगी मेरी? इसे हमायूं, आपको भी ऐसा लगता है कि अगर हम जावेद की शादी कर दें तो दिलकश को भूल जाए और नॉर्मल लाइफ में आ जाए? जवेरिया डॉक्टर्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस हालत में जावेद की शादी हम करेंगे किससे? अरे क्यों ना साजना से बात करूं, उसकी एक दोस्त है एनजीओ चलाती है, हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता बता दे।
जवेरिया 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 जवेरिया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने मफाद की खातिर किसी दूसरे की जान खतरे में डालने का सोच रहे? ओहो, आप भूल गए, डॉक्टर ने क्या बोला था? यही ना कि अगर जावेद को नॉर्मल हालत में लाना है तो हमें उसकी शादी करनी पड़ेगी, तो हमें रिस्क तो लेना होगा। और तुम्हारे ख्याल में जावेद इस शादी के लिए राजी हो जाएगा? इसकी फिक्र मत करें आप। देख लो जी, मैं फिर यही कहूंगा कि एक बार ठंडे दिल से सोच लो, क्योंकि काम बहुत खतरनाक। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपना बेटा पहले की तरह नॉर्मल हालत में चाहिए, खुश खुर्रम बातें करने वाला। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी मामा तुम्हारे उस पागल भाई की शादी करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या हो गया इसमें, मैं क्या कर सकती हूँ? सुनो अपनी माँ की बात, उनका कहना है कि अगर उसकी शादी कर दी ना तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अब मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हारा भाई ठीक हो गया ना तो इस घर से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो अब आप क्या करेंगे? देखती जाओ मैं क्या करूंगा। तुम्हारे उस पागल भाई का वो असर करूंगा कि तुम्हारे माँ बाप हमेशा हमेशा के लिए उसकी शादी का ख्याल घर से निकाल देंगे। शमून, जायदाद आपको चाहिए, इस चक्कर में आप ये मत भूलिएगा कि जावेद मेरा भाई है, समझ गए आप? क्या कहा तुम? ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूं। तुम्हें बहुत शौक कि माँ बाप की सारी जायदाद पे तुम्हारा कब्जा हो, तुम्हारा हुक्म चले, और उसका सबसे आसान तरीका यही है कि तुम्हारा भाई कभी बिजनेस संभालने के काबिल नहीं होना चाहिए, वरना रहना हमेशा इस घर में तीसरे दर्जे का शहरी बने, समझी तुम? चला गया, एक तो हर वक्त आप फोन पे लगे रहते हैं। अरे भाई तुमने ही रखा होगा, तसल्ली से देख लो मिल जाएगा यार, कहाँ जाएगा? उन सब सेटों के साथ ही रखा था, अब पता नहीं कहाँ चला गया, आसमान खा गया या जमीन निकल गई उसे। बेगम साहब, मैं घर जा रही हूँ और मैंने केक भी उठा लिया। सुनो, सुबह तुमने मेरे कमरे की सफाई की थी ना? जी। तुमने मेरी कबर्ड खोली थी? नहीं बेगम साहबा, मैंने सिर्फ कमरे में झाड़ू पोछा किया था बस। तो मेरी कबर्ड में से सेट कहाँ चला गया? जी हाँ, मेरी कबर्ड में से सेट कहाँ चला गया? तुम्हारे अलावा तो इस घर में कोई नहीं है। नहीं नहीं बेगम साहबा, मुझे नहीं पता, आप फिर से देखें, आपने कहीं आगे पीछे रख दिया होगा। सारी कबर्ड्स में देख लिया, आखिर सेट कहाँ चला गया? साहब जी, कल एक सेट आपने भी तो निकाला हुआ था ना।
ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने वो सेट उठाया वहां से, मैं चोर हूँ? नहीं नहीं, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। मैं कल आई थी ना आपको चाय देने के लिए, तो आपके हाथ में एक सेट था ना। क्या बकवास कर रही है? वो दूसरा सेट है जो अंदर ही अलमारी में रखा हुआ है। और मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था कि छानबीन करके नौकरानी रखना, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कब हो? अब देख लिया ना, कल की नौकरानी मुझ पे इल्जाम लगा रही है, मुझ पे। मुझे क्या पता था, इसकी माँ तो इतनी शरीफ औरत है, इसीलिए मैंने इसको काम पे रख लिया था। और ये जो बड़ी शरीफ शादी बनती है ना, ये मुझसे पूछो, वो तुम जानती हो, वो जो हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन आया करता था, क्या नाम था उसका, वो सज्जू, ये उसी के मोहल्ले में रहती है और इसकी उससे दोस्ती भी है। नहीं साहब जी, वो झूठ बोल रहा है, मेरी बात का यकीन करें। अच्छा, अगर ये बात है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्यों छोड़ा हुआ है और तुम अपने माँ बाप के घर पे क्यों रह रही हो? पूछो जरा इससे साजिदा। बहुत ही बेगैरत लड़की है, शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है, मगर इसकी हरकतें देखिए आप, इसकी माँ तो ऐसी नहीं है। ये किस में गई है? ये है तुम्हारा किरदार, करतूत देखो अपने। तुम्हारी शक्ल देख के मैंने तुम्हें इस घर में रखा था, तुम्हारी माँ तो ऐसी नहीं है, तुम किस में गई हो? नहीं बेगम साहबा, मेरा यकीन करें। तुम पे यकीन करूं? तुम्हारी माँ की शराफत देख के मैंने तुम्हें इस घर में रखा था और तुम मेरे ही शौहर पे इल्जाम लगा रही हो, फूट डलवा रही हो मेरे घर में। शराफत से बता दो कि तुमने मेरा जेवर चुरा के कहाँ रखा है? मैं नहीं जानती बेगम साहबा, लेकिन मैंने आपके जेवर को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ जरूर मैं इस कमरे की सफाई करने आती हूँ, लेकिन मुझे कसम उठवा ले, मैंने आपका जेवर नहीं उठाया। देखो झूठ मत बोलो, तुम ही होती हो सारा दिन इस घर में और मेरे कमरे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आता। बेगम साहब मेरी बात का यकीन करें। हाँ मैं इस कमरे की सफाई जरूर करती हूँ, लेकिन मैंने आपके जेवर को हाथ तक नहीं लगाया। आप चाहे तो मुझसे कसम उठवा ले, सच कह रही हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। लगता है ये ऐसे नहीं बताएगी। मुझे तुम्हारे कजन है डीएसपी नवेद, उनको फौरन कॉल करो, वो आएंगे तो ये सब कुछ सच सच उगल देगी। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं नवेद भाई को बुलवाती, वो ही इससे सच उगलवाएंगे। बेगम साहब ये जुल्म मत करें, मैं अपने बच्चे की कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, मैंने वाकई चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता आपका सेट कहाँ है। तुमने चोरी की है या नहीं, अब ये बात तुमसे पुलिस ही आके पूछेगी। पल पल हुए रे मोरे नैना सवाली, ना कोई हमदम साथी, टूटा यहाँ हर सपना, तू ही बता दे मौला है कौन मेरा अपना। बाप महंगा अस्पताल है, घर के करीब यही अस्पताल हमें नजर आया, कुछ पैसे जमा करके हमने रखे थे, वही हम साथ लेके आ गए। चिड़िया की जान से फर्क तो कुछ नहीं है। ये भी ठीक है। सुने आपको अंदर बुला रहे हैं। ये है वो लड़की चंदा। अच्छा तो ये है, बता चोरी की है तूने? बता जल्दी बता। मैं बेगम साहबा को बोल कर आती हूँ। हाँ भाई चंदा, क्या किया है तूने? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं है कि किस जेवर की बात कर रहे हैं। तू अच्छी तरह सब कुछ बताएगी मुझे। चलो इसको पकड़ो, लेके चलो। कहाँ लेके जा रहे? चलो नहीं, मैं सच कह रही हूँ, कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब ये बताइए, हमारी नवासी बेहोश क्यों हो गई थी? घबराने की कोई बात नहीं, अक्सर बच्चे खौफजदा होकर बुखार के जद में आ जाते हैं। वैसे इनकी माँ कहाँ है? वो काम पे गई है। तो बुलाए उन्हें, इस हालत में तो बच्चे के पास होना चाहिए था उन्हें। लेकिन डॉक्टर साहब मजबूरी है, वो नहीं आ सकते। ठीक है, मैंने इन्हें बुखार का इंजेक्शन दे दिया है, आप इन्हें ले जा सकती हैं। ये कुछ दवाइयाँ हैं, आप ये बाहर से ले लीजिए।
शक्ल से तो बहुत मासूम नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? जी मैडम बहुत मासूम नजर आ रही है। अपने इसी मासूम शक्ल से तो इसने फायदा उठाया है मैडम। क्या ये सही कह रही है? अब तू जल्दी से मुझे बता दे सच क्या है। पर याद रखना झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है। जो झूठ बोलता है ना मैं उसकी चमड़ी उधेड़ देती हूँ चमड़ी। दिलकश को भुलाना मेरे लिए नामुमकिन है डैड। वो मेरे साथ ना होते हुए भी मेरे साथ है। शमून लास्ट टाइम भी हमने 3 ड्रॉप्स ही डाले थे। जब ही तो वो इतनी जल्दी नॉर्मल होने लगा। मतलब ये कि मरेगा नहीं तुम्हारा भाई। ये लो जाके पिला दो उसे।